खेल का बच्चा एक ही अच्छा है, मेडल दो गए हैं तो एक आ जाए वो भी बहुत है। दूसरा तो छह बॉक्सर जा रहे हैं हमारे, मेरी आदत सी है कि जहाँ से क्वेश्चन आए मैं वहीं से जवाब दे पाता हूँ, कि मतलब इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि मैं सबको देख के बोल पाऊँ, तो सबकी बढ़िया तैयारी चल रही है। अभी आप ये नहीं कह सकते, जो भी बॉक्सर गए हैं उन्होंने लगभग मेजर टूर्नामेंट में मेडल जीते हुए हैं, चाहे वो अमित पंघाल हो, चाहे वो निशांत है या फिर निखेत है, लवलीना उसके पास तो बॉक्सिंग के अंदर हिस्ट्री बनाने का मौका है कि डबल मेडलिस्ट हो सकती है वो, कोशिश करेगी तो। और मुझे तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। हर कोई चाहता है कि अपनी पहचान बनाए सबका, जैसे बाप ने लब में बाल कर रखी है मेरे भी, तो हर कोई चाहता है यूनिक दिखाई दे। तो मैं भी ये सोचता था कि मेरी एक पहचान बने कि अखिल ऐसे खेलता है, और जो भी खिलाड़ी है ना वो मोटिवेशन उसका यही होता है कि उसकी एक हिस्ट्री लिखी जाए, हिस्ट्री बने। मैं भी यही चाहता था कि मेरी भी एक पहचान बने कि भाई अखिल ऐसे खेलता है, उसका लैपटॉप अच्छा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों के कारण मुझे ना अग्रेसिव बॉक्सर बना दिया गया कि अखिल बहुत अग्रेसिव है। ठीक कह रहा हूँ ये बात? तो आप कंपेयर करके देख लो, जो हमारे मेडलिस्ट हैं, कंपेयर की बात कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, या और जिनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का मेरा फुटवर्क था, जो मेरा हेड मूवमेंट थी, जो मेरी पंचों में स्पीड थी, जब वो पंच निकलते थे, क्या किसी और के पंचों में दिखाई थी वो चीज़ें? मैं कंपेयर नहीं कर रहा आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं कितना टेक्निकल, कितना मैं ऑब्जर्व करके खेलता था, मेरे डिस्टेंस की नॉलेज कितनी अच्छी थी, मेरा स्टैमिना कैसा था। लेकिन आप लोगों ने मुझे अग्रेसिव बॉक्सर बना दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ मैं चुपचाप रहूँ, मैं जब ही कह रहा था आप मुझे वार्म अप कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी भी कि फिर से मेडल और आएंगे हमारे बॉक्सिंग के अंदर। और अब ये भी सीख गया हूँ कि अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, बुरा बोलने से कुछ नहीं होता, अच्छा बोलना चाहिए, वो सीख गया हूँ। देखो जो संघर्ष कर रखा था ना उसका मजा ले रहा हूँ, मेहनत कर रखी थी, अब जो मेहनत किया उसका फल भोग रहा हूँ, इस वजह से वजन बढ़ा हुआ है। अब उस टाइम था संघर्ष करते थे, वेट मेंटेन करते थे, भगवान की दया से कोई बीमारी नहीं है मुझे, खाने पीने का शौक है मुझे, खाने पीने का मतलब रात वाला शौक नहीं है मुझे, खाने पीने का रात वाला शौक नहीं है, हेल्दी और बढ़िया खाता हूँ, जी भर के खाता हूँ, इस वजह से बढ़ा हुआ है, और कोई कारण नहीं है। अब सबका अपना अपना फिटनेस का पैमाना है, कोई भाई स्लिम रहना चाहेगा, कोई लुक के लिए, कोई एक्स वाई जेड कुछ और करने के लिए, मेरा है कि मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। मेरे घर वालों को पता है अच्छा खाता है बढ़िया खाता है, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भाई जो आपने जिसको छोटा टाइसन का नाम बताया ना, उसकी परफॉर्मेंस में कभी नहीं थी नंबर एक, और छोटा टाइसन वगैरह नाम भी आप लोग देते हो, ठीक है, उसका प्यार नहीं था जिसके लिए आपने छोटा टाइसन बोल दिया, आदत से मजबूर क्या करूँ, है ना। रही बात बाकी, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, सभी कोशिश करते हैं, कोई वहाँ रिंग पे जाता है हारने के लिए नहीं जाता है कि मैं हार जाऊं या क्वालिफाई ना कर पाऊं। ठीक है कुछ कमियां रही हैं या रही रहती रह गई हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, यही कह सकता हूं भाई। बाकी आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप लोग देखो कब से जुड़े हुए हो स्पोर्ट्स के, मतलब जो धुरंधर हैं अपने इंडिया के वो जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए इस टाइम, मुझे ऐसा लगता है। गलत हो तो बता देना भाई, ठीक कर देना, जैसे मैं ठीक कर दे रहा हूँ बात, अगर कोई रह गए तो मेरा मानना तो यही है कि हर कोई कोशिश कर रहा है जीतने के लिए, क्वालिफाई करे, क्वालिफाई के बाद मेडल ले, सबको पता है उसके बाद भविष्य, उसका वर्तमान, सब कुछ बदल जाता है। तो नो कमेंट रखूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब आप ड्रॉ की चिंता करोगे तो पदक कैसे जीत के लाओगे, मेरा ये मानना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा ड्रॉ अच्छा पड़ जाए या ड्रॉ कैसा रहे। अगर आपकी तैयारी पूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, हर कोई उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए लगा हुआ है। आपके लिए हमें तो पता ही नहीं होता था स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के कोच कौन है,
क्या वेट ट्रेनिंग होती है, तो मैं इसको अपनी कमी नहीं मान रहा, मैं इसको खूबी मानता हूँ। हमने कमियों में रह के ये सब चीज़ें अचीव की, अच्छी बात है। उनके टाइम में ये सब चीज़ें हैं और अच्छा करें हम उम्मीद कर रहे हैं। जब ड्रॉ के बारे में सोचते हैं तो उसको मेडल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस एथलीट ने ड्रॉ के बारे में चिंता या चिंतन स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, उससे मेडल की उम्मीद मत करो, मेरा मानना तो ये है। जब आप, जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चाहे कोई आए, चाहे वर्ल्ड चैंपियन आए, वर्ल्ड नंबर वन आए, टू आए, थ्री आए, कोई भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो ही बात बनेगी। तो दो लाइन और याद आ गई मुझे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो इस तरीके से जब तक अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करोगे ना, कोई नहीं कर सकता। ये भ्रम है कि मुझे मोटिवेशन दे दिया, मुझे ये कह दिया, जैसे मेरा भाई बोल रहा था साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बूस्टअप कर दिया, है ना, जैसे थोड़ी देर पहले इसने भी कहा। तो सब कुछ अपने अंदर है, परमात्मा का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। ड्रॉ की चिंता नहीं करनी चाहिए, जीतना है बस, यही बात है। मैं, मेरी सोच तो ये है, बाकी सामने वाला क्या सोचे अलग बात है।